आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आगे आप देखेंगे अब तक की हर बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के पौश इलाके वसंत कुंज में डबल मर्डर से सनसनी फैशन डिजाइनर मारा लखानी और उनके नौकर की हत्या। फैशन डिजाइनर की हत्या में उनके नौकरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली के पश्चिम विहार में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, दो की मौत, आठ लोग घायल। दिल्ली में बीती रात बारिश की वजह से आज आसमान साफ, प्रदूषण के स्तर में गिरावट। हालांकि दिल्ली की हवा कुछ सुधार के बावजूद अब भी बहुत खराब की श्रेणी में बनी हुई है। पड़ोसी राज्यों में पराली कम जलाने की वजह से दिल्ली की हवा में सुधार हुआ। दिल्ली में प्रदूषण पर आज एनजीटी में सुनवाई, दिल्ली हरियाणा पंजाब और यूपी के कृषि सचिवों की पेशी होगी। मुंबई के मानखुर्द महाराष्ट्र नगर में एक महिला ने 4 साल की बच्ची को लिफ्ट में बंद करके पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मुंबई के विरार में काले जादू के बहाने महिला से रेप, आरोपी बाबा गिरफ्तार। तमिलनाडु के तटीय इलाकों से आज टकरा सकता है गज नाम का तूफान, भारी बारिश की आशंका। गज तूफान के खतरे को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई। तमिलनाडु सरकार ने तूफान से तबाही की आशंका के चलते तटीय इलाकों में 30,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पंजाब के पठानकोट में लापता जम्मू कश्मीर नंबर की टैक्सी का अब तक पता नहीं, 4 संदिग्धों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद लांस नायक एंटनी का पार्थिव शरीर कोच्चि में उनके घर लाया गया, आज अंतिम संस्कार। उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने जताया खतरा। इकबाल अंसारी ने कहा कि अगर अयोध्या में सुरक्षा न बढ़ाई गई तो उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर गतिरोध खत्म करने के लिए आज केरल में सर्वदलीय बैठक। सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को ओपन कोर्ट में सबरीमला पर फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। 11 दिसंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, 8 जनवरी तक चलेगी संसद। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के महिला प्रत्याशियों पर बयान को लेकर भड़के सीएम शिवराज, कांग्रेस की तुलना कौरवों से की। शिवराज का कमलनाथ के बयान पर वार, कहा द्रौपदी के अपमान पर कौरवों का नाश हो गया तो कांग्रेस किस खेत की मूली है। हिंदू मुसलमान पर कमलनाथ का वीडियो वार, बीजेपी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया। मध्य प्रदेश के सागर में मंत्री गोपाल भार्गव के समर्थन में युवाओं ने सिर मुंडवाकर मंत्री का नाम लिखवाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में सीएम की रैली में लोगों को जुटाने के लिए जादू का सहारा। छत्तीसगढ़ के कुरूद में बोले यूपी के सीएम योगी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, कांग्रेस नहीं चाहती राम राज्य आए। राजस्थान के जोधपुर में मटका लेकर जनता से चुनाव में फंड मांग रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी विवेक बिश्नोई। हार्दिक पटेल का बीजेपी पर निशाना, शहरों का नाम बदलने से ही रामराज्य आएगा तो 125 करोड़ लोगों का नाम राम रख दे। गुजरात के सूरत में लोक गायक पर उड़ाए गए हजारों नोट। फिल्मों में निवेश के नाम पर 400 करोड़ की ठगी करने वाले पति पत्नी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद में पैसे दोगुने करने के नाम पर एक शख्स ने लोगों को 260 करोड़ का चूना लगाया, विनय शाह नाम का आरोपी फरार। बागपत में पुलिस ने पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के मिर्जापुर में चौकी के अंदर लोगों की लाठी से पिटाई का वीडियो वायरल। लखनऊ के गायत्री नगर में बदमाशों ने सराफा व्यापारी को लूटा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बिछी सफेद चादर। राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड को बंद किया गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।